और अब बात करेंगे दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव की। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। इसे कांग्रेस ने अपना रोडमैप कहा है। कांग्रेस की तरफ से आज गंदगी, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और रेहड़ी पटरी वालों के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है। कांग्रेस ने दिल्ली को गंदगी से मुक्त कराने की बात कही, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नवीनीकरण की बात कही गई, साथ ही रेहड़ी पटरी वालों के लिए नीति बनाने की बात भी इस घोषणा पत्र के माध्यम से कही गई। कांग्रेस ने सफाई कर्मचारियों को वक्त पर वेतन देने का वादा किया। महिला सफाई कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए सुविधा देने, आवासीय कॉलोनियों में मिनी कंपोस्ट प्लांट बनाने के साथ साथ डेंगू चिकनगुनिया के लिए टास्क फोर्स बनाने सहित कई वादे इस घोषणा पत्र के माध्यम से किए हैं। तो सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य को मिलेगी प्राथमिकता, इस बात का जिक्र किया गया है इस घोषणा पत्र के माध्यम से। सफाई कर्मचारियों को वक्त पर वेतन का वादा है। बच्चों की देखभाल के लिए महिला सफाई कर्मचारियों को सुविधाएं दी जाएंगी। आवासीय कॉलोनी में बनेंगे मिनी कंपोस्ट प्लांट, साथ ही एमसीडी स्कूलों में बदलाव लाने का प्रयास भी किया जाएगा। इस बात का जिक्र इस घोषणा पत्र के माध्यम से किया गया है। साथ ही डेंगू चिकनगुनिया के लिए टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी। घोषणा पत्र में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। तो बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो पर कांग्रेस ने तमाम चीजों पर फोकस किया है। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से यह मैनिफेस्टो जारी किया गया है, जिसमें सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। सफाई कर्मचारियों को वक्त पर वेतन का वादा भी इस मैनिफेस्टो के माध्यम से किया गया है। दरअसल पिछले कुछ वक्त में ये देखा गया है कि कर्मचारियों के वेतन को लेकर विसंगतियां देखने को मिली हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में इस बात को काफ़ी तवज्जो दी है। आवासीय कॉलोनी में बनेंगे मिनी कंपोस्ट प्लांट, इस बात का जिक्र भी इस मैनिफेस्टो में किया गया है।